इस लेक्चर में हम लोग लिमिट का प्रैक्टिस सेट वन का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप एक बात को समझ जाइए कि अगर लिमिट में दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन होता है जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है एक्स टेंडिंग टू फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर का मतलब हो गया कि एक्स टेंडिंग टू टू, एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये सब। जब भी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है तो हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ये हाईएस्ट पावर कहाँ मिलेगा सर? तो क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे सबको। और इसमें जो है तीन तरह का केस बनता है। एक बनता है स्मॉलर बाय बिगर का, मतलब हाईएस्ट पावर x पे पावर 11 है तो भैया वो है नीचे, ऊपर में x पे पावर 9 है, इसको बोलेंगे स्मॉलर बाय बिगर, और इसका आंसर हमेशा जीरो होता है। एक होगा बिगर बाय स्मॉलर, इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी होता है। एक होता है इक्वल बाय इक्वल, यानी ऊपर में भी 11 नीचे में भी 11, तो इसको बोलते हैं इक्वल बाय इक्वल, इक्वल बाय इक्वल। तो इक्वल बाय इक्वल का जो आंसर होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर। मान लिया जाए पूरे क्वेश्चन का हाईएस्ट पावर एक्स पे पावर 12 है तो ऊपर में भी होगा नीचे में भी होगा, तब ना इक्वल बाय इक्वल बोलेंगे। तो एक्स पे पावर 12 का जो कोफिशिएंट होगा ऊपर में और x पे पावर 12 का जो कोफिशिएंट होगा नीचे में, उसको आपको लिख लेना है इक्वल बाय इक्वल के केस में। अब हमको ये बताइए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x पे पावर p है और आपका x पे पावर q है, x पे पावर p है, x पे पावर q है। तो अगर ऐसा रहता x पे पावर 11 रहता, x पे पावर 15 रहता, तो ये बाय नज़र से बताया जा सकता है कि x पे पावर 15 जो है ये हाईएस्ट है। लेकिन सर यहाँ तो p और q है, आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों में कौन बड़ा है, p बड़ा है कि q बड़ा है, कौन बड़ा है पता नहीं चलेगा। तो जब भी आपको हाईएस्ट पावर ना पता चले, इसमें तो पता चल गया, इसमें तो पता नहीं चल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फंडा क्या है, पहला केस मानिए, केस वन। हमने केस वन क्या माना, पी भैया बड़े हैं किससे, क्यू से, हमने मान लिया। हो सकता अरे दो आदमी हैं राम और श्याम, तो राम बड़ा होगा फिर श्याम बड़ा होगा, हो सकता है दोनों बराबर भी हो, तो हमने पी बड़ा है क्यू से, इसका मतलब हाईएस्ट पावर पी हो गया, हाईएस्ट पावर क्या हो गया पी, यानी ये केस बना बीगर बाय स्मॉलर का, इसका केस बना बीगर बाय स्मॉलर का, और इसका आंसर होता है हमेशा इन्फिनिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस, केस टू क्या होगा, अब की बार p जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, q से, तो बनेगा स्मॉलर बाय बिगर, और इसका आंसर होता है जीरो। एक और केस बनेगा, केस थ्री, क्या बनेगा सर, जब p बराबर q हो,
यानी ये केस बनेगा इक्वल बाय इक्वल का। इक्वल बाय इक्वल के केस में आप क्या करते हैं, p और q ये बराबर है, तो x पे पावर p का कोफिशियंट क्या है a, और x पे पावर q का कोफिशियंट क्या है d, a बाय d आंसर होगा। सर इस सब से तो आप बात भी नहीं किए, इस सब से तो छोटे लोगों से बात नहीं की जाती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब क्या दिया हुआ है सर क्वेश्चन में, ये वाला चीज सब क्या दिया हुआ है, ये वाला a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है, p पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है, a b c d e n k r कांस्टेंट, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो तीन आएगा, इन्फिनिटी आएगा, जीरो आएगा और a बाई डी आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बोलिए कि जब हाईएस्ट पावर होता है तो किसको याद करते हैं हम लोग, सॉरी जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो हम लोग हाईएस्ट पावर को याद करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ भी आपके लिए यही दुविधा है। क्या दुविधा है सर, कि आपको अब पता ही नहीं है कि n और m में कौन बड़ा है, एक n है और दूसरा m है, ये n और m में बड़ा कौन है ये तो पता ही नहीं है हम लोग को। हम लोग काम ये करेंगे, सबसे पहला केस, केस वन क्या मानेंगे, n जो है वो बड़ा है किससे, m से। तो केस जो बनेगा वो बिगर बाय स्मॉलर का बनेगा, और बिगर बाय स्मॉलर में आंसर जो है वो इन्फिनिटी होता है। दूसरा केस क्या बनेगा, ऐसा भी हो सकता है अब की बार n भैया छोटा हो जाए, ये देखिए छोटा का सिंबल है, ये दरवाज़ा बड़ा है, अब की बार m बड़ा हो गया तो कैसा केस बनेगा बताइए, स्मॉलर बाय बिगर का, इसमें जो आंसर आता है वो लड्डू आता है। तीसरा केस क्या बनेगा, केस थ्री आपका बनेगा, क्या बनेगा, एन बराबर एम बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इक्वल बाय इक्वल यानी आंसर हो जाएगा ए जीरो बाय बी जीरो। सर ई सब से तो आप बात ही नहीं की है, तो जिसका पावर छोटा होता है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी में उससे बात नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया, तीन आंसर आया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ओके बाय बाय।